बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सिंगापुरियन राइस की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। ये दावतों में स्पेशली बनाई जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। इसमें थोड़े से स्टेप ज़्यादा हैं लेकिन ईजी स्टेप होते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम सिंगापुरियन राइस रेडी करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सिंगापुरियन राइस के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी जिसे मैं ग्रेजुअली बताती रहूँगी। ये मैंने 365 ग्राम्स चिकन ली है, यानी कि 1.5 पाव चिकन है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो जूलियन भी ले लें। इसे मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया है। ये मैंने 1/2 kg बासमती राइस लिए हैं जिसे मैंने फुल डन करके रख लिया है। खुले पानी में आप राइस बॉयल करें। 3 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे 3 कप्स में, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, और इसको स्ट्रेन करके रख देंगे फुल डन करके एक साइड पे। ये काम मैंने करके रख लिया है। ये वेजिटेबल्स हैं, ये मैंने कटिंग करके रख ली है। 2 मीडियम साइज़ की कैरेट्स हैं, इनको मैंने जूलियन कट कर लिया है। आप चाहें तो तमाम वेजिटेबल्स क्यूब्स में कट कर लें। 3 कैप्सिकम ली हैं, आप चाहें तो जो जितनी आपको पसंद है कम ज़्यादा वेजिटेबल्स ले सकते हैं। 1 कैबेज ली है मैंने, छोटा सी कैबेज थी एक, ये मैंने पूरी स्लाइसर में बारीक कट कर ली है। 3 से 4 स्टिक्स ग्रीन अनियन की है, इसका मैंने ग्रीन और वाइट पार्ट काट के रख लिया है। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ले सकती हैं। 1/2 पैकेट 300 ग्राम्स स्पैगेटी बॉयल करके रखती है। खुले पानी में मैंने सॉल्ट और ऑयल के साथ स्पैगेटी फुल डन कर ली और स्ट्रेन करके एक साइड पे रखती है। 450 ग्राम्स का जो पैकेट होता है वो 300 ग्राम्स लिए है ये। 1 बंच गार्लिक का मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिंगापुरियन राइस का। एंड में असेंबलिंग के टाइम पर हम इसे डालेंगे। और 3 से 4 अदद मैंने ग्रीन चिलीज को लंबाई में कट कर लिया है, सीड्स रिमूव कर दिए थे, और कुछ गार्लिक्स हम आगे भी यूज़ करेंगे इसलिए मैंने ज़्यादा कट कर लिया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जिसमें हम डीप फ्राई करेंगे गार्लिक और ग्रीन चिलीज को। तो ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और ये गार्लिक के स्लाइसिस और ग्रीन चिलीज मैंने डीप फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दी हैं। इसको स्पून से हिलाएंगे। हम इसे जलाना नहीं है, हमें इसे गोल्डन खूबसूरत सा कलर करना है कि ये क्रिस्पी हो जाएं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगें। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे, इसका ऑयल रिमूव हो जाए और एक साइड पे रख देंगे। इसे हम एंड में यूज़ करेंगे। ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ गया है, इसे मैंने स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है और ये तमाम ऑयल में स्ट्रेन कर लूँगी, इसे भी साइड में रख दूँगी। अब ऑयल में बहुत ही अच्छा गार्लिक और ग्रीन चिली का फ्लेवर आ जाएगा जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। ये हम चिकन की ग्रेवी बनाएंगे। 1/4 कप ऑयल ले लिया मैंने, वही स्ट्रेन करके ऑयल लिया है। ये थोड़े से गार्लिक के क्लोव्स जो मैंने कट करके रखे थे इसको गोल्डन कर लेंगे और चिकन को मैंने जो वॉश करके रखा था इसमें डाल देंगे। और हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि चिकन टेंडर हो जाए। चिकन बहुत जल्दी गल जाती है बोनलेस, तो हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट में ही बहुत अच्छी सी गल गई थी। ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका, अपना पानी ड्राई हो गया और चिकन भी टेंडर हो गई। अब इसमें सीजनिंग डालेंगे, जिसमें सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून वाइट वेनेगर और 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉल्ट पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिएगा। 1 कप टोमेटो केचप डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स। 1 कप मैंने सिंपल वाटर लिया, आपके पास चिकन स्टॉक है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं चिकन क्यूब का यूज़ करूँगी। 1 कप पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी। ये चिकन क्यूब भी डाल देंगे, हमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है ताकि राइस और नूडल्स पे जब हम ये ग्रेवी या चिकन डालें तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए, बहुत अच्छा फ्लेवर आए अंदर तक। बस ये चिकन टेंडर तो है, 2 से 3 मिनट तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे, स्टीम में रख देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप भी तैयार है। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। नूडल्स की प्रिपरेशन करते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, उसी ऑयल में से लेंगे गार्लिक और चिलीस वाला। 2 टेबल स्पून ऑयल में मैंने गार्लिक थोड़े से स्लाइसिस को गोल्डन कर लिया। अब ये कैरेट्स डालेंगे पहले और ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट डालेंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे से फ्राई करेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम कैप्सिकम डालेंगे और कैबेज डालेंगे। ग्रीन अनियन हम बाद में यूज़ करेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर रहे। अब इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमें स्टर फ्राई करना है। अब इसमें सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। सॉल्ट देख के डालिएगा क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट होता है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून वाइट वेनेगर और 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे। इसमें मैंने क्रश्ड रेड चिली नहीं डाली, आप चाहें तो डाल दें।
इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक स्टीम देंगे। ज़्यादा गलाना पकाना नहीं है, सिर्फ ये कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए वेजिटेबल्स और इनका खूबसूरत सा कलर रहे। अब ये जो हमने स्पैगेटी बॉयल करके रखी थी, आप चाहें तो एग नूडल्स वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्पैगेटी ली है। इसको डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, अब ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो वेजिटेबल्स को स्पैगेटी में मिक्स करें या चिकन में मिक्स करें, लेकिन रेस्टोरेंट में ये वाइट ही रखे जाते हैं, नूडल्स या स्पैगेटी वाइट रखे जाते हैं, वेजिटेबल में मिक्स नहीं की जाती। अब आपकी मर्ज़ी, आप 4th स्टेप की तरफ आते हैं। आप सॉस बनाते हैं। 1 कप मेयोनीज ली है, इसमें 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस डाला है, उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चाहें तो सिंपल केचप भी ले सकते हैं। इसमें सॉल्ट पेपर 1/4 टीस्पून डालेंगे और 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डाला है मैंने, आप चाहें तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिली गार्लिक सॉस इतना डालेंगे कि इसका कलर पिंक हो जाए, खूबसूरत सा कलर हो जाए। बस इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। हमारा सॉस भी रेडी है। अब आते हैं असेंबलिंग की तरफ। लास्ट स्टेप हमारे असेंबलिंग है। ये फ्राई करके जो रखे थे गार्लिक और ग्रीन चिली, इसको थोड़ा सा क्रश कर दूंगी, रेस्टोरेंट में क्रश करते हैं। और ये ग्रीन अनियन है, इसे हम गार्निश करेंगे। अब जिसमें डिश में भी आपको सर्व करना है, उसमें सबसे पहले राइस डालेंगे। ये बिल्कुल हॉट होने चाहिए, देखें कितनी स्टीम निकल रही है, बिल्कुल गर्म है और ये 100% तक डन है, बिल्कुल सॉफ्ट है। राइस डालेंगे, उसके ऊपर स्पैगेटी डालेंगे। अच्छा, रेस्टोरेंट में राइस के ऊपर सॉस डाला जाता है, लेकिन हमने स्पैगेटी डाली है। इस तरह हम इसके ऊपर डालेंगे कि लेयर्स इसकी नजर आए, मिक्स ना हो। आप चिकन की ग्रेवी डाल देंगे स्पैगेटी के ऊपर, लेयर बाय लेयर करेंगे और इस तरह लेयरिंग करेंगे कि हमें हर लेयर नजर आए खूबसूरत सी। देखिए इसकी प्यारी सी ग्रेवी है, ये अंदर तक जाएगी तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी राइस और नूडल्स में। अब ये जो हमने फ्राइड करके रखी थी गार्लिक और ग्रीन चिली, ये डालेंगे। थोड़ी सी मैंने क्रश कर दी, बाकी ऐसे ही रखी है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इसको अलग से भी रखिएगा, ऊपर से भी डाल के खाते हैं, इसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ग्रीन अनियन मैं डाल दूँगी, अच्छा सा लुक आएगा इसका। और एंड में हम सॉस डालेंगे, ये मैंने बॉटल में भर के रख ली है। अगर बॉटल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप स्पून से भी ड्रिजल कर सकते हैं अपनी पसंद से, जैसे मर्जी आप ये सॉस डालें। और ये हमारे बहुत ही डिलीशियस सिंगापुरियन राइस रेडी हैं, जो दावतों की जान होते हैं। और घर में भी आप बनाएं, इंजॉय करें, सबको ट्रीट दें। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जब इसे सर्व करना हो, जब इसे असेंबल करिएगा, हर चीज़ हॉट होनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में फिर गर्म नहीं होते, वो फिर बात नहीं रहती इसमें, तो हर चीज़ गर्म करिएगा। और अगर आप दावत में ये सिंगापुरियन राइस बना रहे हैं तो आपको टिप दूंगी कि 1/2 डन करके राइस को रख लें, और जब असेंबलिंग का टाइम आए तो इसको पानी को बॉयल कर और इसको एक उबाल दे लें कि ये टेंडर हो जाए, और फिर स्ट्रेन करके ये बिल्कुल गरम गरम रहेंगे, नहीं तो आप माइक्रोवेव में भी गरम कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिले। मिलते हैं एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।